हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल्स ग्लोब लाइव वेब सॉल्यूशन में आपके लोगों का सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप आपके ईमेल के अंदर सिग्नेचर बना सकते हैं, हाउ टू क्रिएट ए प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर इन जीमेल। सो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी क्यूरी आती है तो आप नीचे देखने के हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ये मेरा जीमेल अकाउंट है जिसमें एक ऑलरेडी डिफॉल्ट सिग्नेचर बना हुआ है। ये आप देखेंगे कि डिफॉल्ट सिग्नेचर मैंने पहले बनाया था, अभी हम इसको प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर क्रिएट करेंगे। सो आपको सबसे पहले जीमेल में लॉगिन कर लेना है। सिंपल से जो स्टेप मुझे बताना नहीं पड़ेगा, और ये आप डेस्कटॉप पर लॉगिन करिए। आप देखेंगे टॉप राइट साइड पर एक आइकॉन्स है सेटिंग का, गेयर आइकॉन जिसको बोलते हैं। आपको सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करना है। उसके नीचे आप देखेंगे क्विक सेटिंग है और सी ऑल सेटिंग, तो इस सी ऑल सेटिंग बटन पर आपको क्लिक करना है। देन ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गया। आप फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे कि जीमेल का ऑप्शंस है, और इस जीमेल के ऑप्शंस के नीचे ही आपको मिलेगा सिग्नेचर्स। ये देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है एरिया, ये आपका सिग्नेचर एरिया है। और मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट्स से रिलेटेड, यानी अगर आपको आपका बिजनेस ईमेल्स जीमेल में देखना है तो आप किस तरह से एडिट करें, वो वीडियो मैंने आपको आई बटन आइकॉन में दे देता हूं और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं उसका। अगर आपको आपका बिजनेस ईमेल्स यूज करना है जीमेल के साथ तो वो आप कॉन्फिगर कर सकते हैं। हम वापस से बैक आते हैं हमारे ईमेल सिग्नेचर के पास। ईमेल सिग्नेचर्स में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ये सिग्नेचर का ऑप्शन है। जब आपका कोई भी सिग्नेचर्स नहीं होगा तो यहाँ पर आपको ब्लैंक दिखाएगा। बट मेरा ऑलरेडी सिग्नेचर्स बना हुआ है, तो जिन लोगों का ऑलरेडी सिग्नेचर बना हुआ होगा, मींस लाइक प्रोफेशनल सिग्नेचर्स नहीं है, जस्ट नाम नंबर अगर लिखा है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं, और जिन लोगों का नहीं है तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। हम फ्रेश स्टेप बाई स्टेप आपको ऐसा दिखेगा नो सिग्नेचर। तो क्रिएट ए न्यू सिग्नेचर पर क्लिक करना है, तो यहां पर आप एक नाम दे दीजिए माई सिग्नेचर। ठीक है, उसको आप माई सिग्नेचर नाम दे दीजिए। यहां पर ये आपको माई सिग्नेचर नाम आ गया। आप मल्टीपल सिग्नेचर्स भी बना सकते हैं। यहां पर हमें हमारा नाम, कंपनी का नाम, ईमेल्स, फोन नंबर्स, सोशल प्रोफाइल्स, ये सब ऐड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। थैंक्स एंड रिगार्ड्स से हम शुरू करते हैं। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ये यहां पर आपको टाइप करना है। ये एक सिंपल प्रोफेशनल ईमेल्स है, इसको अभी मैं डिजाइन करना आपको बताऊंगा कि इसको हम डिजाइन कैसे कर सकते हैं। हमारे थैंक्स एंड रिगार्ड्स के हम यहां पर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और यहां पर देखिए आपको फॉन्ट के बहुत सारे वेराइटीज मिलेगी। जो डिफॉल्ट वैरायटी है जीमेल की तरफ से लिमिटेड फॉन्ट मिलते हैं, तो आप यहां से फॉन्ट साइज और फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट के अलावा यहां पर आपको टेक्स्ट का साइज है, ये जो डबल टी बना है, तो आप यहां पे इसको लार्ज कर दीजिए। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, बट मैं सजेस्ट करूंगा ज्यादा बड़ा मत करिए, नहीं तो वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। फिर उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और ये है आपका कलर ऑप्शन। ये बैकग्राउंड कलर ऑप्शन है फर्स्ट उसमें, एंड सेकेंड उसमें टेक्स्ट कलर। तो ज्यादा कलरफुल प्रोफेशनली नहीं रहता है, तो आप इसको अपने नाम को बोल्ड कर लीजिए, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। एंड कंपनी का नाम है, इसको भी आप बोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से आप इस टूल को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखिए लिंक का ऑप्शन है, तो हमने यहाँ पर जो लिंक दिया है वो ईमेल का लिंक है। हम यहाँ से ये लिंक को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद ये जो ऑप्शन है लिंक, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लिंक बन जाएगा। और सिमिलर दैट ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को भी लिंक कॉपी करेंगे हम, और इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे। ये कॉपी किया, कंट्रोल सी आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। देखिए ये www.automatically आ गया। यहाँ पर क्या मैंने नोटिस किया, ये देखिए https नहीं आया है बाय डिफॉल्ट, तो आपको यहीं से जाना है, और यहां से जो आपका प्रॉपर वेबसाइट का URL है वो यहाँ पर URL टाइप करिए। अब URL आपको देखना है, मेरे इसमें www. नहीं लगा है, डायरेक्टली है http, और इस लिंक को अगर आपको टेस्ट करना है तो इस पर क्लिक करिए, एक न्यू विंडो में ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा।
यानी ये लिंक प्रॉपर हो गया, इसको ओके कर दीजिए। तो ये आपके दो लिंक्स आ गए, एक ईमेल का और एक वेबसाइट का। इसको मोर प्रोफेशनली कैसे करेंगे, इसमें हम अभी लोगो लगाएंगे हमारी कंपनी का, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो कंपनी का नाम है वो हटा देते हैं और यहाँ पर हम लोगो प्लेस करते हैं। लोगो भी प्लेस करते हैं हमारा थैंक्स एंड रिगार्ड्स की बात, पहले हम कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड देन पर्सन का नाम आ रहा है। और अगर आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशनल जॉब लेवल पर हैं, तो आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आएगा इंसर्ट इमेज, ये आप देख रहे हैं आइकॉन, यहाँ पर हम इंसर्ट इमेज करेंगे। ये आपका जो ड्राइव रहेगा उसमें बहुत सारे फोल्डर्स फाइल्स रहेंगे। अगर आपका इमेज आपके ड्राइव में है, गूगल ड्राइव में, तो वो आप यहाँ से फेच करा सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप उस लोगो का यूआरएल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों में से कुछ नहीं है, आपका लोगो जो है या कोई भी सिंबल है वो आपका सिस्टम में है, तो आप यहाँ से उस सिस्टम को फेच करा सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर अपने ब्राउज किया मेरे सिस्टम को और यहाँ से मैं मेरा लोगो जो है वो यहाँ पर फेच कराऊंगा। इसका है तो ये लोगो को मैं यहाँ पर इंसर्ट करूंगा। ये लोगो मैंने अपलोड किया है। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने लोगो अपलोड किया, एक प्रॉपरली साइज में आया, थैंक्स एंड रिगार्ड ग्लोबलाइज वेब सॉल्यूशन, ये लोगो आ गया। और ये मेरा नाम थोड़ा सा एक लोगो से टच हो रहा है, तो इसको मैं जस्ट फर्स्ट स्टेप पर आऊंगा, फर्स्ट पोजीशन पर, और एक एंटर ले लेंगे। और यहाँ पर मैं मेरा नाम, नंबर, ईमेल आईडी एंड वेबसाइट यूआरएल हो गया। अभी आता है हमारा सोशल मीडिया के लिंक। अभी सोशल मीडिया के लिंक्स में मैं यहाँ पर सिर्फ ओनली फेसबुक एंड ट्विटर का लिंक दिखाऊंगा, और उसके लिए आपको सेम प्रोसेस करना है। आपको फेसबुक और सोशल मीडिया का आइकॉन्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली डालेंगे फॉलो अस एंड यहाँ पर कॉलम देने के बाद दो आइकॉन हमें सर्च करना है। तो दो आइकॉन हम सर्च कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फिर आइकॉन और हम यहाँ पर ये फर्स्ट रिजल्ट जो मिला है डाउनलोड 165 फ्री फेसबुक आइकॉन 64x64 ये साइट पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आइकॉन्स मिल रहा है हमें छोटा आइकॉन्स रहेगा, इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे। आप किसी भी साइट से ऐसा डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें ये साइज का आइकॉन्स चाहिए रहेगा ऑलमोस्ट, तो इस साइज के आइकॉन पर आप राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एस, और हम पहले की जैसा सेव कर लेंगे और पुराने इमेज से रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आइकॉन्स रहेगा वो ये साइज का रहेगा, 48 पिक्सल्स का। सो सिमिलर दैट, अभी हम फेसबुक के थ्रू, फेसबुक के बाद हम ट्विटर का भी आइकॉन सर्च कर लेते हैं सेम साइट से। तो ट्विटर का ये आइकॉन्स काफी अच्छा है और ओरिजिनल लग रहा है। तो इसको भी हम ओपन करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे 64 पिक्सल का जो आइकॉन है उसको हम सेव कर लेंगे। तो आपको सारे आइकॉन्स जो है यहाँ पर मिल जाएंगे इस साइट से, नहीं तो ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहां से आप कॉपी कर सकते हैं। सो बाकी के सारे टैब्स को मैं बंद कर देता हूँ और ये वेबसाइट का जो यूआरएल है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये पुराने आइकॉन्स को अभी हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर से हम वापस से इमेज और इमेज को अपलोड अपलोड करने के बाद हम दोनों आइकॉन एक साथ यहाँ पर हमारे डेस्कटॉप से ऐड करेंगे। ओरिजिनल साइज है इतना बड़ा, सो ये भी मुझे अभी बड़ा लग रहा है, बट इट्स ओके। हम आपको और छोटा चाहिए तो देखिए यहाँ पर आने के बाद आपको एक दो स्पेस देना है और उसके बाद वापस से आइकॉन ऐड करना है। और यहाँ पर हम ट्विटर का आइकॉन भी ऐड कर लेते हैं। अभी इसके बाद जो बचेगा, इस आइकॉन पर हमें लिंक करना है हमारे ट्विटर एंड फेसबुक के यूआरएल को। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये हम कीबोर्ड यूज करेंगे एंड शिफ्ट प्रेस करके एरो की दबाएंगे, इस आइकॉन को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे लिंक। एंड लिंक पर आने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे हमारे फेसबुक का यूआरएल। सो मेरे फेसबुक का जो यूआरएल है वो https://facebook.com/globalivebs। तो ये मेरे फेसबुक का आइकॉन है और इसको मैं अगर चेक करता हूँ तो यहाँ से मैं चेक भी कर सकता हूँ कि ये प्रॉपरली मेरा
वेबसाइट खुल रहा है या नहीं। सो इट्स ओके, ये मेरा वेबसाइट खुल रहा है तो ये परफेक्टली लिंक मेरे पेज से हुआ है और इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ तो इसका जो लिंक है वो एड हो गया। सिमिलर दैट हम एरो की प्रेस करेंगे और हम फेसबुक सॉरी ट्विटर आइकॉन को भी सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद हम लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे हमारे ट्विटर का लिंक, तो https://twitter.com/globalifab एंड देन चेक करते हैं कि ये कौन सा लिंक आता है। हाँ, सो ये लिंक मेरा है प्रॉपरली ग्लोबल आई वेब, यानी मुझे दोनों जगह पर एस लगा हुआ है, ये कंफर्म हो गया मुझे और ये लोगों से मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि ये सब ग्लोबल आई वेब मेरा ही अकाउंट है। सो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं कि आपका लिंक प्रॉपर है या नहीं। सो ये दो चीजें हो गई। सो इस तरह से सिग्नेचर, ये हमारा प्रोफेशनली एक सिग्नेचर बन जाता है। थैंक्स एंड रिगार्ड्स ग्लोबल आई वेब सॉल्यूशन, ये हमारा लोगो आ गया एंड इसके बाद नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, वेबसाइट। आपको मोबाइल में भी मोबाइल का आइकॉन देना है तो सिमिलर दैट आपको एक स्मॉल आइकॉन जो कि रहेगा ऑलमोस्ट 32 पिक्सल्स या 16 पिक्सल का या 24 पिक्सल्स का, और वो यहाँ पर आप ईमेल्स दे सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे सेव इसको, नो सिग्नेचर। यहाँ पर सिग्नेचर, डिफॉल्ट सिग्नेचर जो है मुझे सेट करना है क्योंकि मैंने सिग्नेचर मेरा डिलीट कर दिया था। यहाँ पे माई सिग्नेचर फॉर न्यू ईमेल यूज और ऑन रिप्लाई, अगर आपको रिप्लाई करना है किसी का तब भी आपको वो सिग्नेचर सेट करना है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपने सिग्नेचर बना लिया बट उसको यूज नहीं कर पाए। उसके नीचे है इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर क्वेटेड टेक्स्ट इन रिप्लाई एंड रिमूव द डैश इन लाइन। सो ये आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगेन मुझे ये सेव करना रहेगा। सो अभी हम अगेन ये देखेंगे तो हमारा यहाँ पर ये सिग्नेचर क्रिएट हो गया। मोर प्रोफेशनल सिग्नेचर बनाने के लिए आप इसको और कस्टमाइज, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो इसको कमेंट्स, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।